नमस्कार, विजय एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपको स्वागत है। मैं अशोक व्यास और आज सोमवार का दिन है, तारीख है 6 मई 2019। विजय एशिया कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक रिपोर्ट ब्राह्मण सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित टैलेंट शो पर। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 मई रविवार हिक्सविल में आयोजित होने वाले वैसाखी मेले पर जानकारी के साथ एंट्रेंस में हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। और मुलाकात एक हाल ही में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व लेने वाले, एक समय में न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ध्यानेश्वर मुले जी के साथ। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। लाभूभाई उपाध्याय ने भारत से दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से संस्थापित किया गया एक संगठन जिसका नाम है ब्राह्मण सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक संस्कारों से जोड़े रखने के लिए ये संस्था हर बरस आयोजित करती है एक विशेष टैलेंट शो। अध्यक्ष राजेश पंड्या और उनके साथियों ने सफलतापूर्वक इस बार रविवार को आयोजित किया ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क क्वींस में एक स्कूल के ऑडिटोरियम में। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, नृत्य के द्वारा, गायन के द्वारा, वाद्य वृंद के द्वारा, उत्सवमय वातावरण में अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का उत्साह देखते ही बनता था। प्रस्तुत है आईटीवी गोल्ड की ये विशेष रिपोर्ट। वी स्टार्टेड इन 1987 पछी मुख्य अमरो ध्येय ધાર્મિક પ્રસંગો કરવાનો છે, કારણ કે સમાજને એમાંથી જ શીખવાનું છે અને તે સિવાયના બીજા બસ ટ્રીપ, પિકનિક એ બધું સાઈડમાં કરીએ છીએ। We are trying to give as much as we can the good things to society and cultural program, and for the kids we did today it's a talent show competition. Tarigiri 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 tar
But aside from that, Brahmin Samaj does a lot of other activities. There are villages which are Shivratri, Navratri, Diwali, and picnic. And we do this talent show every year. We do Samu Katha, and every other year we do Shraddha as well. So we are, as Brahmin Samaj, we are promoting the culture as well as religion and awareness among our youth. Nandana Bala Ganesha Parvati Nandana Bala Ganesha Vigna Vinasha Varada Ganesha Vigna Vinasha Varada Ganesha Sura Muni Valdita Sumukha Ganesha Sura Muni Valdita Sumukha Ganesha Sudara Vadana Jnana Ganesha Sundara Vadana Jnana Ganesha Sahe ko sahe Barish ka bosa hai Brahmin Samaj also doing the bhajan every month since so many years. Also this talent show, we bring all the kids' performance talent on the stage of every year, every age. So thank you so much again and see you all. Bharat se dur, Bharat ke utsav hamare saath, hamari smritiyon mein to rehte hi hain. Samay samay par
भारतीय समुदाय ये प्रयास करता है कि उन उत्सवों को एक नए रूप में जागृत कर दिया जाए भारत से इतने दूर रहकर भी। और बैसाखी का मेला, बैसाखी नाम आते ही विशेष प्रकार की उमंगें उमड़ जाती हैं हमारे भीतर। बैसाखी मेले का आयोजन 19 मई को हिक्सविल में पूरी शान के साथ किया जा रहा है। रंगारंग कार्यक्रम के अलावा खाने पीने का भी जोरदार प्रबंध और बच्चों के लिए विशेष अनूठे आयोजन इस उत्सव का हिस्सा होंगे। बैसाखी मेले के बारे में जानकारी देने के लिए जय सिंह, ओंकार सिंह और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने मिलकर एंट्रेंस में एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रस्तुत है इस बैसाखी मेले के बारे में विशेष जानकारियों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी ये रिपोर्ट। ओंकार सिंह मेरे नाल गल करदे ने जी कि ग्लेनको विच मेला हर साल होंदा है और बहुत वधिया मेला होंदा है, तो क्यों ना आपां, क्योंकि कुछ लिमिटेशन हो जांदियां गुरुद्वारे दे विच, जिवें कि आपां इन्ना वड्डा इन्ना अच्छा टॉप दा पंजाबी ग्रुप बुलाया उह नहीं बुला सकते, या चलो जो भी लिमिटेशन हो जाती है, कहें जे आप बाहर करिए तो आप बहुत सारे पंजाबी इकट्ठे कर सकते हैं। मैं क्या भी नहीं, विसाखी मेला लॉन्ग आइलैंड च होंदा है, ग्लेनकोव च होंदा है। डी पी सिंह जी इत्थे बैठे ने जो कि उनके ऑर्गनाइजर, ऑर्गनाइजर असी भी इनडायरैक्टली सारे हाँ, लेकिन मेन ऑर्गनाइजर डी पी सिंह जी मनमीत ला, तो तुसी पोस्टर के उत्ते इन्ने इन्ने वधिया ग्रुप विच तुसी एक मोती उस हार दा उन्हें हरमन चाहल जी उन्होंने देखा होगा, सुनिया भी जरूर होगा, तो हरमन जी इत्थे ने, थैंक यू हरमन जी। असी देसिया चो देसी बलोसरे दे, असी देसिया चो देसी बलोसरे दे, ओ ते तू हाई फाई सरे दीर कान, ओ नी तू पाके अरमानी फिरे मेली साढ़े लई अरमानी अरमान, ओ नी तू पाके अरमानी फिरे मेली साढ़े लई अरमानी अरमान। थैंक यू, थैंक यू। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦੈਮ ਇਫ ਦੇ ਨੀਡ ਹੈਲਪ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਨੀਡ ਹੈਲਪ, ਆਈ ਮੀਨ ਫੋਰ ਬੇਰੀਅਲ ਔਰ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੀਡ, ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਟਿਵਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟਿਡ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੋਜ਼ ਦੋ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਫੈਮਲੀ ਯੂ ਆਰ ਹਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਦ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ। ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਨੀ ਰਾਈਡਸ ਨੇ, ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਟਰਬਨ ਪਹਿਨੇ, ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਆਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਕਲਚਰ ਉਨਕਾ ਖਾਨਾ, ਮੱਕੀ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹਮਕੋ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ
कि साड़ा कल्चर की है एंड हाउ असी अपने बच्चों नू किवें अगे ले आके ते उन्हां दी खुशी वास्ते असी ये पूरा उपराला कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी मतलब सबसे मैं जो मेरा ओपिनियन है सबसे अच्छी कम्युनिटी है जो सेवा भाव पूरे वर्ल्ड में जो पंजाबी कम्युनिटी देती है वो कोई नहीं करता है। सेवा भाव में सबसे नंबर वन, ब्रेवरी में सबसे नंबर वन, सिर्फ इन्होंने देना सीखा है, वो मैंने इनसे सीखा है। तो मैं सबसे कहूँगा चाहे वो पंजाबी हो या कोई भी हो, प्लीज़ ये आए और हमारे कल्चर के लिए हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम भारत से यहाँ आके खड़े हैं तो हमें हमारे बच्चों को ये कल्चर सिखाना है। सत श्री अकाल और आप सब नू विसाखी पुरब ते खालसा दे सरजना दिवस दी लख लख वधाई होवे। बुलबुल दे पंजियां च बजे कदे बाज नहीं रहिंदे, मुफलसां ते कायरां दे हत्थां च कदे राज नहीं रहिंदे। जिस कौम नू है चुक जान दी आदत उन्हां सिरां ते कदे ताज नहीं रहिंदे। असीं इंग्लिश दे विच फ्लायर आउट करांगे सिख स्ट्रीट फेयर दे नां तों कि जिहड़े ऑल अमेरिकन ते होर स्टोर्स हैगे ने उत्थे रखे जाण ते उन्हां नू अपने ईवेंट दे विच लै के आया जावे। तो कहिंदे ओंकार दिस इज़ अ वेरी एक्सलेंट आइडिया, यस वी कैन डू इट। सो असीं वह फ्लायर कल लॉन्च करन जावांगे तो असीं सारे जिहड़े अमेरिकन स्टोरस हैगे ने तो उन्हां दे विच रखांगे। तो असीं इस रैफल की टिकट सिर्फ ओनली $20 रखी है। $20 से तुसी कार अपने घर लैके जा सकते हो, बट तुहाडे लक ते डिपेंड करता है कि कौन लैके जाता है। उस तो बाद असी $20 दे विच टीवी भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी है, स्मार्ट वॉच भी है, उस तो अलावा होर बथेरे गिफ्ट है। आप देख रहे हैं विजनों एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको सोमवार से गुरुवार तक ITV गोल्ड पर शाम 8 बजे दिखाते हैं। साथ ही विजनों एशिया का एक विशेष अंक हम आपके लिए पूरे उत्साह के साथ लेकर आते हैं सप्ताह में एक बार रविवार को सुबह 11 बजे। जुड़े रहें हमारे कार्यक्रमों के साथ, होते हैं हाजिर आज के विजन ऑफ एशिया का शेष भाग लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ध्यानेश्वर मुले जी को थॉट लीडर के रूप में जाना जाता है, ऑथर कॉलमिस्ट के रूप में जाना जाता है, कवि के रूप में भी ध्यानेश्वर मुले जी की पहचान है। अमेरिका न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में उत्तरदायित्व निभाने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने संभाल लिया है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य का कार्यभार। इसके बाद उन्होंने समय निकाला ITV गोल के लिए ऑनलाइन फेस टाइम द्वारा हमसे बातचीत करने का। प्रस्तुत है इस बातचीत का ये अंश। हमारे कई दर्शक मेरी तरह पूरी तरह नहीं जानते हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है वो हमारी जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, उसके साथ उसका क्या आपसी तालमेल रहता है और ह्यूमन राइट कमीशन का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो एक जो तालमेल रहना चाहिए, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कृपया। एक तो ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स की जो बात है वो कोई एलियन बात नहीं है। हमारा जो संविधान है उसमें हमने मानव के मूल अधिकार के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बोला है जी, व्यक्ति उसके बारे में प्रावधान है। दूसरी बात तो ये है कि हमारे जो नैसर्गिक अधिकार है एक तरह से वही हमारे मानवीय अधिकार है जिसमें फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम राइट टू डिग्निटी है और इसी से निकल जाते हैं कई सारे अन्य अधिकार जिसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू शेल्टर है। तो ये सब अधिकार जो है मानव अधिकार आयोग एक अपने आप में ऑटोनॉमस या स्वयंपूर्ण संस्था है जिसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का चयन स्वयं राष्ट्रपति करते हैं और उनके हस्ताक्षर और सील से हमारी नियुक्ति होती है। तो उसकी जो चौकसी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो भी करने का अधिकार आयोग के पास है। अधिकार आयोग के पास इस तरह का अपना मैकेनिज्म है
कि हम अपने अधिकारी भेजकर उस घटना स्थल पर स्पॉट इंक्वायरी स्पॉट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने अपने बारे में जो होता है उनके साथ जो घटित होता है उसके बारे में हमारे पास शिकायतें दर्ज करते हैं और साल में कुछ 80-90 हज़ार इस तरह की शिकायतें हमारे पास आते हैं और हम हर शिकायत को गंभीर रूप से लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो भी राहत चाहिए होती है उसको देने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। ये जो शख्सियत भारत नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है वो एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, कॉलमिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं और आपकी एक पुस्तक माटी पंख और आकाश में आपके जीवन के बारे में और हाल ही में एक नई पुस्तक और आई है जो आपके ऊपर लिखी गई है और शुभांगी जी ने लिखी है, शुभांगी नितिन मुले जी ने, सृजनशील जगन मित्र उसका शीर्षक है, उसके लिए भी आपको बधाई और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके प्रेरणास्पद जीवन के बारे में और अधिक जानने को अधिकाधिक लोगों को मिल रहा है। मराठी भाषा में है ये मराठी भाषा में, लेकिन इसको जल्द में वो हिंदी में भी आने की चांसेस है और अन्य भाषाओं में भी, अंग्रेजी में भी किताब आएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मेरे ख्याल से जो भी हमारे मित्र है देश विदेशों में उनको सबको इसका अपने अपनी भाषाओं में लाभ लेने का सुयोग जल्दी आ जाएगा। मैं हमारे सभी आईटीवी गोल्ड के जो दर्शक हैं उनकी तरफ से और आईटीवी गोल्ड के चेयरमैन जैसे जब आप पहले थे तब भी आईटीवी गोल्ड था तो उसका स्वरूप प्रबंध की दृष्टि से बदला है और अब हमारे चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक उनकी तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ और साथ ही फिर एक बार अपने दर्शकों के साथ ये बांटते हुए कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपके अंदर वही उत्साह है जो आपने जब अपनी नौकरी पहली बार ज्वाइन की थी और सीखने की जो है। और एक अंतिम प्रश्न के रूप में इस पूरी यात्रा में अगर कोई विशेष रूप से आपके रोल मॉडल रहे या अगर आपको कोई एक बात ढूंढनी हो जो आपको लगता है आपने ये सर्विस के दौरान विशेष रूप से सीखी जीवन के बारे में। मुझे लगता है कि इसमें कुछ संस्थाएं और कुछ व्यक्तियों का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। सबसे पहले मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप जिन्होंने सादगी सिखाई, दूसरे महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है उन्होंने जो हमें समानता का संदेश दिया, तीसरी बात जो हमारे समाज सुधारक थे चाहे वो महात्मा फुले हो, आगरकर हो, अंबेडकर हो, महर्षि थोंडो कर्वे हो, इनकी सीख ने भी मुझे बहुत मेरे प्रभावित किया, महात्मा गांधी ने बहुत प्रभावित किया और फिर मेरी जो स्कूल मेरा जो कोल्हापुर में वहाँ के शिक्षक ना सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सजग थे अपने विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बहुत सजग, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं समझता हूँ कि जिसका बाल्य चाइल्डहुड सकारात्मक गया हो, बहुत आनंदी रहा हो, वो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ योगदान कर सकता है क्योंकि वो जीवन के प्रति एक बहुत आशादायक बहुत प्रेरणादायक उसके विचार और उसका परिप्रेक्ष्य होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको मैं ज़रूर हमेशा याद करता हूँ और उनको मुझसे बाकी जो है दुनिया में जो भी अच्छी बातें हैं, तिलोत्तमा बोलते हैं कि दुनिया के सुंदर चीज़ों का एक एक कण कण लेकर तिलोत्तमा को बनाया गया, तो उसी तरह से जहाँ जो अच्छाई मुझे दिखती है उसको मैं थोड़ी सी अपने पास देने की कोशिश करता हूँ, अपने व्यक्तित्व में उसको समाहित करने की कोशिश करता हूँ और चाहे वो समाज, मैं समझता हूँ कि उसको समाज के लिए वो चीज़ बहुत उपयुक्त होती है। तो ये सीखते सीखते आगे जाने वाली यात्रा है, सफ़र है और आप इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने भी योगदान किया है। ITV ने मुझे हमेशा सराहा है, मेरे काम को सराहा है और मुझे प्रोत्साहन दिया है। आपका, संस्था चालकों का, विशेषकर सुधीर जी का मैं बहुत आभारी हूँ, आपके दर्शकों का भी मैं बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्द ही आप सबको मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हो। और आवाज़ का विजनों पेशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। हम आपको याद दिला दें कि आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ITV गोल्ड के फेसबुक पर फ्रेंड बनकर
और आईटीवी गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप हमारे ताज़े ताज़े कार्यक्रमों के साथ तुरंत अपने समय के अनुसार जुड़ने का अवसर भी पा सकेंगे। इवेंट्स के बारे में हमें लिखें events@itvgold.com पर। और अब आज का विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम समाप्त करने की अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।